हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राइंडिंग मशीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्राइंडिंग मशीनिंग? ग्राइंडिंग मशीनिंग इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस एकॉम्प्लिश्ड बाय अब्रेसिव पार्टिकल डेट आर कम्बाइंड इन अ बॉन्डेड ग्राइंडिंग व्हील रोटेटिंग एट वेरी हाई सरफेस स्पीड। ग्राइंडिंग मशीनिंग मटेरियल को रिमूव करने का एक प्रोसेस है जो कि एब्रेसिव पार्टिकल के साथ कंप्लीट होता है, और ये एब्रेसिव पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील के साथ कंबाइंड होता है। ग्राइंडिंग व्हील जो कि हाई सरफेस स्पीड के साथ रोटेट करता है। नाउ ग्राइंडिंग इज मेनली फॉलोड आफ्टर ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशन आर डन फॉर अ स्मूथर फिनिश टू द कंपोनेंट। ग्राइंडिंग ऑपरेशन का मेनली हम यूज़ करते हैं आफ्टर ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशन। जब हम कोई मेटल कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके सरफेस को फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि द रोटेटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील मेनी कटिंग टीथ एंड द वर्क पीस इज फेड रिलेटिव टू द रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील टू अकॉम्प्लिश्ड मटेरियल रिमूवल। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है। जब ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग टीथ एंड वर्क पीस एक दूसरे के रिलेटिवली कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है। यहाँ पे कटिंग टीथ का मतलब होता है अब्रेसिव पार्टिकल। इट इज ओनली इकोनॉमिकल मेथड ऑफ कटिंग हार्ड मटेरियल लाइक हार्डेंड स्टील। इट प्रोड्यूस्ड वेरी स्मूथ सरफेस सूटेबल फॉर बैरिंग सरफेस। ग्राइंडिंग ऑपरेशन से हमें बहुत ही स्मूथ सरफेस मिलता है। सरफेस प्रेशर इज मिनिमम इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में सरफेस प्रेशर बहुत ही कम होता है। इट इज सूटेबल फॉर लाइट वर्क पीस विच विल स्प्रिंग अवे फ्रॉम कटिंग टूल इन द अदर मशीनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन जो होता है हमारे पास, उसका फंक्शन होता है स्मॉल मटेरियल को रिमूव करके वर्कपीस को हाई सरफेस क्वालिटी देना, उसके जो शेप और साइज हैं उसको मेंटेन रखना एक गुड सरफेस फिनिश के साथ। इट इज अ मटेरियल कटिंग प्रोसेस विच इंगेज एंड अब्रेसिव टूल होज कटिंग एलिमेंट आर ग्रेन्स ऑफ अब्रेसिव मटेरियल नोन एज ग्रिट। ग्राइंडिंग व्हील में जो हम लोग अब्रेसिव मटेरियल का यूज़ करते हैं ग्रेन्स के रूप में, उसको हम लोग ग्रिट भी कहते हैं। ग्रेन्स और ग्रिट दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रेन्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है शार्प कटिंग पॉइंट। इसका कटिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। नेक्स्ट इज हाई हॉट हार्डनेस होता है ये, एंड केमिकल स्टेबिलिटी होता है, और वियर रजिस्टेंस होता है इसका। The grits are held together by a suitable bonding material to give shape of an abrasive tool. जैसा हमारा वर्कपीस का मटेरियल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एब्रेसिव टूल का शेप देते हैं। एब्रेसिव टूल मतलब अब्रेसिव पार्टिकल्स, डैट मीन्स ग्रेन और ग्रिट्स। ग्राइंडिंग कैन बी कंपेयर विथ मिलिंग विथ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटिंग एज। ग्राइंडिंग मशीनिंग एंड मिलिंग मशीनिंग को यदि हम कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ग्राइंडिंग मशीनिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटिंग एज होगा। यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है कटिंग एक्शन ऑफ अब्रेसिव ग्रेन्स। ये नीचे वाला हमारा वर्कपीस है, और ये जितना भी दिख रहा है ये सब हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स है। ओके, नाउ इफ एब्रेसिव ग्रेन्स इज व्यूड एज अ कटिंग टूल देन इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। हमारे पास जो एब्रेसिव ग्रेन है यदि उसको हम कटिंग टूल की तरह देखें तो फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन में क्या होगा? तो यहाँ पे दो केस बनता है, या तो ग्रेन लार्ज होगा या फिर ग्रेन स्मॉल होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं जब ये ग्रेन्स लार्ज हो तो क्या होगा। हम जानते हैं कि रैक एंगल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, और यदि ग्राइंडिंग ऑपरेशन की बात करें तो इसका रेंज होता है 45 डिग्री टू -60 डिग्री। यहाँ पे हमने लार्ज ग्रेन का यूज़ किया है। जब ग्रेन्स का साइज लार्ज होगा तो इसका नेगेटिव रैक एंगल भी लार्ज हो जाएगा। तो
तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कटिंग स्पीड इज वेरी हाई, इंक्रीज द ग्रेन्स स्ट्रेंथ, और फिर यहाँ पे इंक्रीज ग्रेन्स लाइफ, ग्रेन्स का लाइफ इंक्रीज कर जाएगा, एंड वेरी हाई स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ कटिंग, इसका स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ कटिंग हाई हो जाएगा। जब ग्रेन्स का साइज स्मॉल होगा तब क्या होगा, लो शियर एंगल, लो फीड रेट एंड लो डेप्थ ऑफ कट। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जैसे ही हम ग्रेन्स के साइज को डिक्रीज करेंगे तो ग्रेन्स का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा और ग्रेन्स लाइफ भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेन साइज, ये क्या होता है। ग्रेन साइज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेन्स होता क्या है और जब ग्रेन्स का साइज लार्ज हो और स्मॉल हो तो क्या क्या हो सकता है। नाउ द ग्रेन साइज इफेक्ट मटेरियल रिमूवल रेट एंड सरफेस क्वालिटी ऑफ द वर्क पीस। ग्रेन साइज ही रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल रिमूवल रेट के लिए एंड वर्क पीस के सरफेस क्वालिटी के लिए। यदि यहाँ पे हम लार्ज ग्रेन की बात करें, लार्ज ग्रेन्स का हम लोग यूज़ करेंगे बिग ग्राइंडिंग कैपेसिटी के लिए, बट यहाँ पे हमें रफ वर्क पीस मिलेगा, मतलब वर्क पीस का सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रफ हमको मिलेगा। सेकंड हमारे पास है स्मॉल ग्रेन्स। स्मॉल ग्रेन्स का हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी के लिए, और यहाँ से हमें एक स्मूथ सरफेस मिलता है वर्क पीस का। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्राइंडिंग रेशियो। ग्राइंडिंग रेशियो को हम लोग जी रेशियो भी बोलते हैं। द ग्राइंडिंग रेशियो और जी रेशियो इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। इन कन्वेंशनल ग्राइंडिंग द जी रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 20:1 to 80:1। द जी रेशियो इज अ मेजर ऑफ ग्राइंडिंग प्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वर्क अ व्हील कैन डू ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग रेशियो, दैट मीन्स जी रेशियो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन अब्रेसिव मटेरियल। ये हमारे पास एब्रेसिव मटेरियल है और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस सेट लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका हम यूज़ करते हैं सॉफ्टर एंड टफर देन सिलिकन कार्बाइड। जब हमारा मटेरियल सिलिकन कार्बाइड से ज़्यादा सॉफ्ट या फिर टफ हो तो उस केस में हम लोग एब्रेसिव मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यूज्ड ऑन स्टील, आयरन एंड ब्रास। सेकेंड हमारे पास है सिलिकन कार्बाइड। सिलिकन कार्बाइड का हम लोग यूज़ करते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ग्राइंडिंग हार्ड, हार्ड ग्राइंडिंग के लिए टफ टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल बेस्ड ऑन सुपर एलॉयस एंड हार्ड कोटिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास एब्रेसिव मटेरियल है डायमंड, यूज्ड टू ग्राइंड नॉन फेरस मटेरियल्स, टंगस्टन, कार्बाइड एंड सेरामिक्स। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाई इज हाई वेलोसिटी डिजायर्ड इन ग्राइंडिंग। तो इसका सिंपल आंसर है, इट इज डिजायर्ड टू ऑफसेट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरी हाई नेगेटिव रैक एंगल ऑफ वर्किंग ग्रेन्स, टू रिड्यूस द फोर्स पर ग्रेन एज वेल एज ग्राइंडिंग फोर्स। सो हाई वेलोसिटी डिजायर्ड इन ग्राइंडिंग। जब हम लोग ग्रेन्स के साइज को इनक्रीज करते हैं तो रैक एंगल बहुत ही कम हो जाता है, मतलब हाई नेगेटिव रैक एंगल हो जाता है, मतलब हमारा ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो उस केस में ग्रेन्स के ऊपर फोर्स कम हो जाता है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्राइंडिंग फोर्स भी कम हो जाता है। जब हमारा ग्रेन्स काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है, तो उस केस में जो ग्रेन्स होते हैं वो वर्कपीस के ज़्यादा एरिया को कवर करता है, वर्कपीस के ज़्यादा सरफेस को कवर करता है। सो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान इस ग्रेन्स का
फोर्स रिड्यूस हो जाता है, सो यहाँ पे हाई वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है इन द केस ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग। तो हमारे पास है डायमेंशनल एक्यूरेसी, गुड सरफेस फिनिश, गुड फॉर्म एंड लोकेशनल एक्यूरेसी, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर हार्डेंड एंड अनहार्डेंड मटेरियल्स। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशन का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सरफेस फिनिशिंग, स्लीटिंग एंड पार्टिंग, नेक्स्ट डी स्केलिंग एंड ड्यूबरिंग, स्टॉक रिमूवल, फिनिशिंग ऑफ फ्लैट एज वेल एज सिलेंड्रिकल सरफेस, नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग ऑफ टूल एंड कटर एंड रीशार्पिंग ऑफ द सेम। मतलब टूल एंड कटर का हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं या फिर इसका हम रीशार्पिंग भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट इन ग्राइंडिंग प्रोसेस आर मोर देन दोज इन टर्निंग फॉर द सेम मटेरियल रिमूवल रेट बिकॉज ऑफ द, इसका रीजन क्या है। हमारे पास दो मशीनिंग ऑपरेशन है, एक ग्राइंडिंग प्रोसेस एक टर्निंग प्रोसेस, दोनों का सेम मटेरियल रिमूवल रेट है। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होता है, तो देखते हैं इसका क्या रीज़न है। ग्राइंडिंग प्रोसेस इज अ वेरी इनसफिशियंट वन कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ग्राइंडिंग जो होता है ये होता है 50 जूल पर मिलीमीटर क्यूब, और यदि हम अदर प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है ये होता है 225 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। तो इसका रीज़न हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ कटिंग एज आर इन्वॉल्व इन कटिंग दिस रिजल्ट इन लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन व्हील एंड वॉक पीस। सो स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट इन अ ग्राइंडिंग प्रोसेस आज मोर देन टर्निंग प्रोसेस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डैट इज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज मोर इन ग्राइंडिंग प्रोसेस कंपेयर टू टर्निंग प्रोसेस बिकॉज। तो इसका सिंपल रीजन हो जाएगा द कटिंग व्हील हैज़ मल्टीपल कटिंग एज, डैट मीन्स ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज कैरी आउट एट अ मिनिमम कटिंग वेलोसिटी इफ द मशीन्स आर इक्वली रिजिड एंड टूल वर्क मटेरियल आर द सेम। सपोज आपके ऑप्शन दिए हैं टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग एंड बोरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग। इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।